हाय लियोज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो लियोज कर रहे हैं जोडियाक रीडिंग, एंड अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन लियो में है तो इस वीडियो में हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ जो मैसेजेस रेजोनेट हो आप उन्हीं को एक्सेप्ट करें, अदरवाइज बाकी मैसेजेस को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। ओके, एंड टू गेट अ बेटर पिक्चर अपने तीनों साइंस देखिएगा, आप सन, मून, राइजिंग। और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 1st to 31st of December 2024 है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लियोस के लिए, लियोस सन मून राइजिंग। December 2024 के लिए क्या एनर्जी आ रही है लियोस के लिए। गाइस, रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए ना अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ कमेंट्स में टाइप करें। देखते हैं लियोस के लिए क्या एनर्जी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंसिस में लियोस सन मून राइजिंग दिसंबर कैसा रहेगा फॉर फाइनेंसिस। 8 of Coins फाइनेंसेस के मामले में, जैसे आप बहुत सोच समझ के खर्च करना, जुडिशियस तरीके से खर्चे देखना करना, इस तरीके की एनर्जी है। अभी देखते हैं करियर प्रोफेशन कैसा रहने वाला है। करियर लाइफ द वर्ल्ड, वाओ, आई थिंक ट्रैवलिंग है यहाँ, बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रैवलिंग है, शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग बिटवीन जॉब्स, शिफ्टिंग बिटवीन सिटीज़ ड्यू टू योर वर्क, ऐसी एनर्जी है। ड्यू टू द बिजनेस हो सकता है न्यू ब्रांचेस ओपन करने की सोच रहे हो अपने आप अपने बिजनेस की, प्रोडक्ट की, ऐसी भी एनर्जी है। अभी देखते हैं हेल्थ की, हेल्थ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। द हायरोफेंट, वाओ, इससे थोड़े मैसेज मिक्स मिल रहे हैं। अभी कुछ मैसेज तो ये भी मिल रहा है कि एक मैसेज ये मिल रहा है कि आपको डॉक्टर की विजिट करनी पड़ सकती है। एक मैसेज ये मिल रहा है कि किसी तरीके की आपको गाइडेंस या हेल्प चाहिए रहेगी। देखो, सन की एनर्जी फ्लिप हुआ है तो मैंने दिखा दिया आपकी रीडिंग में लियो सन की एनर्जी आई है, और आप सन आपका कार्ड है, द सन कार्ड लियो लियोज को दर्शाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि हाँ, बहुत सारे लियोज इस एनर्जी में रहने वाले हैं। ये वाली ब्लेसिंग्स, ये वाली एनर्जी विंडोज आपके लिए ओपन होंगी। फाइनली लव एंड पर्सनल लाइफ के लिए एक कार्ड देखेंगे लियो सन मून राइजिंग फॉर दिसंबर। 9 of Swords जैसे घर परिवार में हल्का सा स्ट्रेस लग रहा है। बॉटम की एनर्जी डेथ की है, मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स, एंड 9 of Swords की भी एनर्जी है। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप पे हो सकता है कि किसी तरीके के पैटर्न्स की एंडिंग है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की एंडिंग है, आपके किसी हैबिट पैटर्न की एंडिंग है। ओके, इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लियोस, ठीक है। नाउ 8 of Coins से हम अगर फाइनेंसिस को देखें, 8 of Pentacles का कार्ड मेहनत करने को कहता है, डेडिकेशन दिखाने को कहता है, अगर हम राइडर वेट की बात करें। लेकिन आप इस कार्ड में देखो थोड़ा डिपिक्शन डिफरेंट है। इसमें आपने देखो वो बंदी काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो उसको हर्ट हो रहा है, ये पेंटिकल्स बनाने में हर्ट हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस पर्टिकुलर एनर्जी से आप स्ट्रेस लेके फाइनेंसेस जैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास है, अच्छा खासा है, लेकिन आपने उसको, आपका माइंडसेट स्कार्सिटी का है, इसलिए आप वो जो गुड फाइनेंसेस भी हैं उसको भी अच्छे से मैनेज या फिर यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे सेविंग्स ज़्यादा करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप शायद अपने नेसेसरी खर्चे भी नहीं कर रहे हो, बच रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। हो सकता है ये खर्चे बहुत नेसेसरी है, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है ना कि नीड होती है, बेसिक नीड्स, तो हो सकता है आप उसमें भी कटौती कर रहे हो, बट वो आपको हर्ट करेगी। ऐसी मेंटालिटी, ऐसी प्रैक्टिसेस हर्ट करेंगी, क्योंकि जो मनी की एनर्जी है ना, जितना फ्लो में रहेगी, लेन देन जितना लगा रहेगा, आप खर्च करोगे तभी आपके पास आएगा। आप अगर उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश कर लोगे, कुंडली मारने की कोशिश कर लो, वो मनी उस एनर्जी को लाइक नहीं करता, लक्ष्मी जी उस एनर्जी में नहीं रहती। लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती है। आपने सुना होगा कि लक्ष्मी जी का नेचर बहुत चंचल है, वो एक जगह बैठना उनको पसंद नहीं है। तो यही मनी की एनर्जी है। आप जितना टाइट होल्ड करने की कोशिश करोगे उतना प्रॉब्लम में रहोगे। आप ना जो नेसेसरी खर्चे हैं ना, उन्हें भी ग्रैटिट्यूड से करोगे। भगवान जी ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने आपको इतना तो दिया कि आप अपने बेसिक नीड्स और उससे भी कहीं ज़्यादा के खर्चे कर सकते हो, अपने लिए सर्विसेज, प्रोडक्ट्स अवेल कर सकते हो आप इस मनी से। तो ग्रैटिट्यूड दिखाओ मनी को, रादर देन कि उसको स्कार्सिटी माइंडसेट से देखो, ठीक है। करियर या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप देखो, यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी लग रही है वर्ल्ड कार्ड से। द वर्ल्ड कार्ड से
ट्रैवलिंग का मैसेज मिलता है, द वर्ल्ड का से न्यू स्टडी कर का मैसेज मिलता है, हो सकता है कि आप कुछ अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हो, जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में हो सकता है कुछ न्यू सीख रहे हो, या फिर कुछ डिफरेंट सीख रहे हो कम्प्लीटली, कोई नई स्किल सीख रहे हो कम्प्लीटली डिफरेंट, जो आपकी करियर पाथ है बिजनेस का एरिया है उससे, एंड अगेन ट्रैवलिंग तो है ही, एंड यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन भी लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ऑफिस के लोगों से या ऑफिस सेटअप में, बिजनेस सेटअप में थिंग्स आर मेलो, मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, दिसंबर में चीज़ें लाइट हैं थोड़ी सी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर. ओके अभी देखेंगे कि हेल्थ वाइज द हायरोफेंट, आई थिंक ये जो हायरोफेंट कार्ड है ये किसी तरीके के प्रोफेशनल को भी दिखाता है, हो सकता है डॉक्टर हो सकते हैं, ये हीलर हो सकते हैं, ये काउंसलर हो सकते हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में ये एनर्जी है कि आपको किसी तरीके के हीलर से एडवाइस लेनी चाहिए हेल्थ को लेकर, और हेल्थ इश्यूज़ में मुझे लग रहा है हेल्थ इश्यूज़ कुछ भी मेजर हैं, जस्ट कि कई बार ना अननोन बीमारियां हो जाती हैं, अननोन इन द सेंस कि हमको रीज़न ही नहीं पता चल पाता कि पर्टिकुलर चीज़ हमारी बॉडी में हमको क्यों मैनिफेस्ट हुई है. तो उस वक्त आपको ना थोड़ा सबकॉन्शियस पे काम करना चाहिए. आपको मान लीजिए कोई जैसे एनर्जी हीलर्स हो गए, टैरो रीडर्स हो गए, स्पिरिचुअल हीलर्स हो गए, इन लोगों से अगर आप कर सकते हो कंसल्टेशन तो करनी चाहिए. थेरेपिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, क्योंकि कई बार होता है कि मेडिकल साइंस कह देती है कि आपको तो आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई, आपको तो कोई बीमारी है ही नहीं, बट यू आर नॉट फीलिंग राइट. एंड मुझे पता है ये मैसेज बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि 2019-20 में व्हेन आई गॉट माय सेकंड कोविड, आई थिंक 22 में एक्चुअली सेकेंड कोविड के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी. मैंने सारे टेस्ट कराए, डॉक्टर ने जितना सजेस्ट करा, बट मेरे ना ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आए, ना ECG, ना मतलब बहुत सारे स्कैन्स हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई. तो डॉक्टर्स ने कहा आप ठीक हो यार, आप ना घूमो फिरो बाहर जाओ, घर से बाहर निकलो. तो डॉक्टर्स को नहीं पता चलता. तो उस टाइम पर ना आपको जो एनर्जी हीलर्स हैं या फिर स्पिरिचुअल हीलर्स हैं उन लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है. तो अगर आप जानते हैं ऐसे किसी पर्सन को तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें. मैं खुद इस तरीके की हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ, आप चाहें तो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मतलब यू आर फ्री, आपको जिससे आप करना चाहें, आपके एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हैं, तो आपको आई थिंक उनसे हेल्प लेनी चाहिए. ठीक है, हेल्थ को लेकर ये मैसेज आ रहा है. एंड पर्सनल लाइफ में यहाँ पर 9 of Swords की एनर्जी आई है. स्ट्रेस लग रहा है, बट मुझे ना यहाँ पे 9 of Swords की एनर्जी से सबकॉन्शियस माइंड की भी एक का भी एक मैसेज मिल रहा है. आई थिंक यू आर प्रोटेक्टेड. इस पर्टिकुलर 9 of Swords से मैसेज मिल रहा है कि आपके कुछ गाइड्स हैं, आपके कुछ स्पिरिट टीम के मेंबर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड आपकी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखे हुए हैं. क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक फैमिली है, यहाँ पर फैमिली ऑफ थ्री. तो अगर यहाँ पर लिटरली जो लोग ये देख रहे हैं, अगर आपकी फैमिली ऑफ थ्री है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन है डिवाइन पावर्स की, और जिनको भी आप मानते हो, जैसे अपने एंसेस्टर्स हो गए, अपने किसी पर्टिकुलर गॉड गॉडेस से आपकी बहुत क्लोजनेस है, तो आप ना उनको रात को सोते समय प्रेयर्स भी बोलो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, मैं खुद प्रेयर्स बोलती हूँ, और सुबह उठकर या बाहर निकल रहे हैं या लगता है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर लोग होंगे वहाँ पर जाना हो रहा है, मान लीजिए गेट टुगेदर हो गया, आजकल वैसे भी शादी का सीज़न चल रहा है, तो मैं घर से निकलने से पहले एक बार प्रेयर ज़रूर बोलती हूँ. तो आप भी अपना रूटीन कर सकते हैं इस तरीके का. मैं यूजुअली गॉड गॉडेस आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, और मेरे हस्बैंड के और मेरे बेबी के गार्डन एंजल्स को प्रेयर बोलती हूँ. सिंपल सी प्रेयर बोलती हूँ कि डिवाइन प्लीज़ प्रोटेक्ट अस एंड आर माइंड बॉडी सोल हार्ट एंड ऑरास इन योर डिवाइन प्रोटेक्शन. प्लीज़ कवर अस इन अ सीमलेस मिरर कोकून ऑफ योर डिवाइन वाइट लाइट, सो दैट नो स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हार्म कुड टच अस, अटैक अस इन एनी वे, इन एनी डायरेक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. इस तरीके से बोल के मतलब मुझे ना रट गई है चीज़ें, तो मुझे याद हो गई है एक तरीके से प्रेयर. आप देख रहे हो मैं फट ये बोल के, और मैं आई जस्ट ब्लो फूक मार के आई एक्टिवेट द प्रेयर, और तब मैं बाहर जाती हूँ. तो आप भी अपना कुछ रूटीन करें, कुछ भी हो सकता है, आप
कोई पर्टिकुलर नज़र वाली चीज़ कैरी करें, जैसा आपको अच्छा लगे, प्रेयर्स बोले या जो भी लगे, और बिलीव करें कि आपके साथ प्रोटेक्शन चल रही है. एंड मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपनी जिस भी व्हीकल में हम जा रहे हैं तो मैं उसको विजुलाइज करती हूँ कि एंजल्स ने अपने विंग्स हमारे चारों ओर फैलाए हुए हैं, जिसमें हम डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और कोई भी हार्म हमको नहीं छू सकता. तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, एनर्जेटिक वर्क है जो आप भी कर सकते हो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, अभी देखेंगे कि एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, एंजल ओरेकल से क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की. थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टू रे फॉर माय लियो कलेक्टिव्स दिसंबर के लिए. थैंक यू सो मच. लियो सन मून राइजिंग, मैं दो कार्ड्स लूँगी. सर्पियस बे असेंशन, मूव इनटू अ ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर. देखो यहाँ पर ना जो भी डार्कनेस है, चाहे वो आपके फाइनेंसिस को लेकर है, फाइनेंशियल पैटर्न्स को लेकर है, चाहे फैमिली रिलेटेड कुछ इशू है, क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया, देखो डिनाई नहीं कर सकते. तो आपको ना जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है. जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आओगे, आपके लिए वो हैवी और डार्क एनर्जी ना मेल्ट हो जाएगी, वो रोशनी में बदल जाएगी. ठीक है, और जब भी हम डार्कनेस से निकल रहे होते हैं तो जो डिवाइन फोर्सेस है हमको असिस्ट करती है, चाहे हमको फील नहीं हो लेकिन हम उनको प्रेयर्स करते हैं तो हमेशा हमको असिस्ट करती है, हेल्प भेजती है. मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट इनर वॉइस. अगेन यहाँ पर ये मैसेज है लियोस के लिए, किसी तरीके का ना जो आपकी लाइफ में, चाहे फाइनेंसिस में चाहे पर्सनल लाइफ में, ये जो स्ट्रगल्स भेजे गए, लेसन्स भेजे गए, किसी रीजन से भेजे गए, क्योंकि आपका असेंशन होना है, आपकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है. असेंशन और इंक्रीज अवेयरनेस दोनों मैसेज एक ही बात बताते हैं, दोनों कार्ड एक ही बात बताते हैं कि आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रही है. प्रेजेंट सिचुएशन को आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा और तब देखो आपकी लाइफ में क्या अमेजिंग चेंजेस आते हैं लियोस. ठीक है, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है लियोस के लिए. थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे लियो कलेक्टिव्स दिसंबर 2024. लियोस के लिए क्या एनर्जी आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है. सरस्वती, ब्लेसिंग्स ऑफ नॉलेज आपके लिए, ज्ञान, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, असेंशन, आपके लिए बहुत सारी नॉलेज है. आई थिंक आप ना कुछ स्पिरिचुअल पाथ पर हो, या फिर आपको ऐसा हो गया कि यार मेरे को ईश्वर को जानना है, मुझे जानना है क्या भेद है इस प्लैनेट का, इस जीवन का, और आपके लिए कुछ एसोटेरिक नॉलेज, ऑकल्ट की नॉलेज अनफोल्ड हो रही है बहुत सारे लिए उसके लिए. ठीक है, और जो लोग ऑकल्ट या एसोटेरिक नॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं किसी तरीके से, जैसे मैंने स्किल का मैसेज भी दिया यहाँ पर कि स्किल लर्न कर रहे हो, तो आपके लिए न्यू नॉलेज है. माँ सरस्वती आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं. ठीक है, भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटीरियल प्रॉस्पेरिटी. आपको अपने पैटर्न्स भी हीलिंग करनी होगी, क्योंकि मटीरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्यूटी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो इसको क्लेम करो गाइज. और मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं आपको एनर्जी मैसेज दे रही हूँ, तो ये एनर्जी काफ़ी हैवी हाई है, हाई एनर्जी है. ठीक है, तो इसको क्लेम करो. अध्याकाली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस. नाइन ऑफ सोर्ड से चाहे कितनी भी डार्कनेस हो प्रेजेंटली, बट मैंने वही कहा कि इट इज़ फॉर सम रीज़न, आपको लेट गो और सरेंडर करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा. तुरंत आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपका असेंशन होगा, आपको और अवेयरनेस आएगी, और देखना आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटिफुल चेंजेस आने वाले हैं. कात्यायनी, चांदी, ब्लेसिंग्स ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ टू विन द वॉर्स. जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मान लीजिए आपके खुद से कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर हो गया कि लिटरली जैसे दूसरे पर्सन से भी कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, तो वहाँ पर आपकी जीत होगी, क्योंकि आप सच का साथ दोगे. आप एक जो धर्म है, धर्म एक ट्रुथ होता है धर्म में, धर्म इन द सेंस रिलीजन वाला धर्म नहीं, ड्यूटी वाला धर्म, जहाँ पर सच्चाई है, एक ट्रुथनेस, ट्रुथ की फीलिंग है, एक मतलब बहुत पॉजिटिव और प्योर एसेंस है जो सच्चाई का है, तो कहीं ना कहीं आप उसका साथ दे रहे हो, इसलिए आपकी जीत होने वाली है. ठीक है, और हो सकता है मान लीजिए कोई लीगल मैटर्स भी है, तो टू स्ट्रेंथ टू विन द वॉर्स. ओके, तो आपको कुछ एविडेंस ऐसे मिलेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे मिलेगी कि आपके लीगल मैटर्स भी आपके ही फेवर में आ रहे हैं. फाइनल कार्ड लूँगी. भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस. माई गॉड, मैंने आपको यही मैसेज दिया था, स्पिरिचुअल अवेयरनेस. एंड अगेन यहाँ पर इंक्रीज्ड अवेयरनेस का भी कार्ड था, असेंशन का कार्ड था. बहुत सारे लियोस के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो सकती है. आपको बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन आपके इर्द गिर्द घूमने लगेगी कि चक्रास कैसे बैलेंस करते हैं, एनर्जी क्या होती है, कुंडली क्या होती है.
ठीक है, तो ये चीजें आपके आसपास ना, आप कहोगे, आप बड़े शॉक हो जाओगे कि मेरे को इतनी सारी चीजें ही क्यों दिखाई दे रही हैं, आपको एंजल नंबर दिखाई देने लगेंगे। तो आपके ना नोटिस में ऊपर वाले डालना चाहते हैं कि भैया तुम्हारी वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, उसको वो आने वाली है, ठीक है। तो इस ब्लेसिंग को क्लेम करो, लियो, बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग्स एंड एनर्जी आई है। और आज के लिए इतना ही, और अगर इस वीडियो से, इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प, गाइडेंस, मोटिवेशन मिला है, क्लैरिटी मिली है, तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।